हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 से 5 साल के बच्चे के लिए एक फ्रॉक बनाना बताने वाली हूँ। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर मैंने बॉडीज के लिए पहले लाइनिंग को लिया है। तो ये जो लाइनिंग है, ये मेरा फ्रंट का पार्ट है। इसकी जो चौड़ाई है, ये मैंने यहाँ पे 16 इंच की ली है, और इसकी जो लंबाई है वो मैंने यहाँ पे 11 इंच की रखी है, यानी कि टोटल हमारा 10 इंच रेडी रहेगा। तो ये देखिए, फ्रंट पार्ट को इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 फोल्ड में रखा है, और बैक पार्ट के लिए देखिए, इस तरह मैंने 2 पीसेस लिए हैं। इसकी भी लंबाई 11 इंच की है, लेकिन इसकी चौड़ाई जो है वो हमने 9 इंचेस की रखी है। जो फ्रंट पार्ट है उसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में 8 इंचेस की आएगी। तो ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे 8 इंच है, और बैक का पार्ट जो है वो 9 इंचेस में रहेगा। बैक पार्ट में जो हमने यहाँ पे बीच में 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है, ये हमारा जिपर अलाउंस रहेगा। इसे हम जिपर लगाते वक्त फोल्ड करके लेंगे। तो अब हम इसमें मार्किंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गले की मार्किंग करते हैं, जो कि मैंने लंबाई रखी है 3 इंचेस की, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 2.5 इंच की रखी है, और यहाँ पर इस तरह से हमने हल्की सी गोलाई देनी है। साथ ही में हम यहाँ पे बैक नेक भी मार्क करके लेंगे, जो कि हमने यहाँ पे 2 इंचेस रखा है, फ्रंट नेक 3 इंचेस और बैक नेक 2 इंचेस। शोल्डर भी हमने यहाँ पे मार्क करके लेंगे, इसको भी हमने 2.5 इंच पे मार्क किया है, और यहाँ से नीचे की तरफ जो आर्मोल है, इसे हमने यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क किया है। जो चेस्ट है वो हमारा रेडी रहेगा 6 इंच, लेकिन इसके साथ में हमने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन, तो उसको हमने यहाँ पे मार्क किया है। और ये हमने यहाँ पे आर्मोल मार्क किया है, फ्रंट और बैक हमने सेम आर्मोल में रखना है। और शोल्डर स्लोप जो है, इसको हमने यहाँ पे 1/4 इंच का शोल्डर स्लोप दिया है। नीचे की तरफ कमर में हम यहाँ पे 1/2 इंच अंदर की तरफ लेंगे, यानी कि ये हमारा 7.5 इंच रहेगा, और यहाँ पर नीचे में कमर में हल्की सी गोलाई देनी है। तो ये देखिए, इसी के साथ हमारी जो बॉडीज की मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी मार्किंग के साथ में हमने इसको कट करके लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे कटिंग करते हुए जाना है, और गले में यहाँ पे हम बैक नेक को पहले कट करके लेंगे, और उसके बाद में बैक पार्ट को अलग से रखते हुए फ्रंट नेक को हमने कट करके लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों ही हमने कट कट के रेडी करके लिए हैं। अब इसमें जो फ्रंट पार्ट है, इसके लिए हमने यहाँ पे डिजाइनर नेट लिया है, बैक पार्ट के लिए हम प्लेन नेट यूज करेंगे, और दोनों ही पार्ट्स को हम सैटिन के फैब्रिक में कट करके लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को दोनों को ही कट करके लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो फ्रंट पार्ट के लिए ये देखिए, इस तरह से पहले हमने सैटिन को रख के लेना है, और इसको हमने जो डिजाइनर नेट लिया है, इसे अटैच करके लेना है। ये देखिए, इस तरह से रखते हुए इन दोनों को अटैच करना है, और इसके ऊपर जो हमारा बैक पार्ट है उसका नेट और सैटिन का लेयर हमने रखना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको रखते हुए यहाँ पे शोल्डर में हमने सिलाई लगा के लेनी है, और इसी तरह से जो हमारा लाइनिंग का कपड़ा है इसमें भी हमने करना है। तो ये देखिए, फ्रंट पार्ट को रखना है, उसके ऊपर हम बैक पार्ट को रख के लेंगे। ये देखिए, इस तरह से रखना है, और यहाँ पर भी हमने शोल्डर में सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारे मेन फैब्रिक में सिलाई लग चुकी है, शोल्डर्स अटैच करके लिए हैं, और लाइनिंग में भी हमने इसी तरह से शोल्डर्स को अटैच करके लिया है। अब जो हमारा लाइनिंग है, इसको हमने जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर इस तरह से रखना है, और यहाँ पे देखिए, इस तरह से आर्मोल में, गले में और दूसरे आर्मोल में हमने सिलाई लगा के लेनी है। और इसमें हमने यहाँ पे स्लीव्स भी लिए हैं। तो ये देखिए, ऑलरेडी मैंने स्लीव्स कट करके लिए हैं, पहले हमने इसमें स्लीव्स को भी अटैच करके लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी सिलाई यहाँ पे लग चुकी है, और यहाँ पे हमने छोटे छोटे कट्स लगाए हैं आर्मोल में और गले में। अब इसको हमने यहाँ पे सीधी तरफ मोड़ के लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट में से बैक पार्ट को बाहर की तरफ खींच के लेना है। इसी तरह से दूसरे साइड में भी हमने करना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे फैब्रिक को सीधी तरफ मोड़ के लिया है। अब इसमें हमने ऊपर से एक और सिलाई लगानी है, यानी कि ये देखिए, यहाँ पर आर्मोल में, दोनों ही आर्मोल में और गले में और दूसरे आर्मोल में हमने फिर से ऊपर से एक सिलाई लगानी है। और उसके बाद में यहाँ पे जो हमने 1 इंच का मार्जिन रखा था, उसको ये देखिए, इस तरह से हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और यहाँ पे हमने जिप को अटैच करके लेना है।
और साथ ही में जो फ्रंट पार्ट है इसके लिए हमने ये देखिए यहाँ पर इस तरह से एक व्हाइट फैब्रिक का हमने बेल्ट बना के लिया है। ये देखिए इसको हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट में अटैच करना है। तो ये देखिए इस तरह से फ्रंट पार्ट में हमने अटैच करके लिया है, बेल्ट हमारा लग चुका है और साथ ही में बैक पार्ट में हमारा जिपर भी अटैच हो चुका है। अब यहाँ पे हमने कपड़े को ये देखिए इसी तरह से सीधी तरह से रखते हुए साइड से हमने 1/4 इंच के मार्जिन में सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे 1/4 इंच के मार्जिन में सिलाई लगाते हुए दोनों ही साइड्स को अटैच करके लिया है। अब इसको हम साइड में रखेंगे और यहाँ पर हम अभी घेर की स्टिचिंग करेंगे। तो घेर के लिए ये देखिए हमने यहाँ पे सैटिन का कपड़ा लिया है और साथ ही में नेट का कपड़ा लिया है। जो सैटिन के कपड़े की लंबाई है वो हमने रखी है 16 इंचेस की और जो नेट का कपड़ा है इसकी लंबाई भी हमने 16 इंचेस की ही ली है। दोनों ही फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो हमने 3 मीटर्स की ही ली है। नेट और साटिन दोनों ही 3-3 मीटर है। इसकी जो सिलाई है वो बहुत ही सिंपल है। इसमें हमने देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ से गैदरिंग करते हुए जाना है। साटिन और नेट दोनों में भी हमने इसी तरह से गैदरिंग बनाते हुए जाना है और दोनों ही पीसेस में नीचे की तरफ में हमने ये देखिए इसमें यहाँ पे 2 फोल्ड करते हुए सिलाई लगा सकते हैं या फिर पीकू भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से पहले हमने यहाँ पे साटिन में गैदरिंग्स करके ली हैं। 3 मीटर का जो कपड़ा है ये फुल लेंथ में हमने लिया है। फ्रंट और बैक दोनों मिला के हमने यहाँ पे 3 मीटर्स लिया है, अलग से इसमें कोई कपड़ा नहीं है। अब सैटिन की तरह ही हमने यहाँ पे नेट में भी गैदरिंग्स करके लेनी है। तो ये देखिए नेट में भी हमने गैदरिंग्स करके इसको रेडी करके लिया है। अब इसके बाद में ये दोनों ही जो लेयर्स है इनको हमने अटैच करते हुए सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से सैटिन और नेट को हम एक दूसरे से अटैच करते हुए इसके ऊपर हमने सिलाई लगाई है। तो ये देखिए इस तरह से दोनों ही लेयर्स को हमने जोड़ते हुए सिलाई लगा के लेनी है। जब ये सिलाई लग जाए तो इसको ये देखिए इस तरह से हमने जो ओपन साइड है उसको अटैच करके लेना है। तो ये देखिए दोनों ही जो ओपन साइड है नेट के उसको हमने यहाँ पे पहले लिया है। इन दोनों को जोड़ते हुए हमने पहले यहाँ पे एक सिलाई लगा के लेनी है और उसके बाद में इसी तरह से हमने जो सैटिन का लेयर है उसमें भी सिलाई लगानी है। तो ये देखिए नेट में हमारी सिलाई लग चुकी है। अब ये देखिए जो हमने सैटिन का लेयर लिया है जो अंदर की तरफ है उसको भी हमने ये देखिए दोनों ही किनारों को पकड़ के लिया है और दोनों ही किनारों को जोड़ते हुए हमने इसमें भी सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से जो हमारी सिलाई लग चुकी है और यहाँ पर ये देखिए जो हमारा 3 मीटर का फैब्रिक था उसको हमने यूज करते हुए इस तरह से एक स्कर्ट जैसा बना के लिया है। अब ये जो स्कर्ट है इसे हमने बॉडी से अटैच करके लेना है। तो जो स्कर्ट में जॉइंट हमारा आया है उसको हमने जिप से अटैच करना है। तो ये देखिए इस तरह से जो हमारा जॉइंट है उसको हमने पीछे की तरफ जिप को लगा के लेना है। ये देखिए इसे हमने जिपर को पकड़ के लेना है और यहाँ पे पूरी गोलाई में हमने इसमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से जो हमारी सिलाई है वो लग चुकी है। जो बॉटम पार्ट है उसको हमने बॉडीज से जॉइंट करके लिया है। अब जो हमारा फ्रॉक है इसको ये देखिए इस तरह से बॉडीज की तरफ से हमने यहाँ पे उल्टा करके लेना है। पूरा फ्रॉक नहीं उल्टा करना है, सिर्फ बॉडीज को हमने यहाँ पे इस तरह से उल्टा करके लेना है और इसमें हमने यहाँ पे देखिए एक कैनकैन का हमने यहाँ पे स्कर्ट बनाया है, यानी कि लाइनिंग के ऊपर हमने कैनकैन को अटैच करके लिया है। उसको ये देखिए इस तरह से रखते हुए हमने पूरी गोलाई में सिलाई लगानी है। कैनकैन का स्कर्ट करने के लिए ये देखिए जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है उसको हमने लिया है और नीचे की तरफ हमने 8 इंच की हमने यहाँ पे कैनकैन की पट्टी ली है और उसको ये देखिए इस तरह से हमने प्लेट्स बनाते हुए पहले अटैच करके लिया है। उसके बाद में ऊपर की तरफ जो है उसमें हमने यहाँ पे इस तरह से बीच बीच में प्लेट्स बना के ली है। लाइनिंग के फैब्रिक की जो लंबाई है वो हमने यहाँ पे 14 इंचेस की रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 2 मीटर्स की ली है। अब इस तरह से ऊपर की तरफ प्लेट्स लग जाने के बाद में हमने ये देखिए इस तरह से दोनों ही ओपन एंड्स को फिर से अटैच करके लेना है। इसको हमने उल्टी तरफ नहीं मोड़ना है बगैर सीधी तरफ से ही रखते हुए हमने इसको अटैच करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको सीधी तरफ से ही रखते हुए इसमें हमने जोड़ते हुए सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से जो हमारा कैनकैन का स्कर्ट है वो हमारे फ्रॉक से अटैच हो चुका है। तो
तो अब जो हमने यहाँ पे बॉडीज को ऊपर की तरफ से फोल्ड करके लिया था उसको हमने देखिए फिर से ठीक करके लेना है, और जो फ्रॉक है उसे इस तरह से हमने उल्टा करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से इसे उल्टा हमने करके लेना है, और जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे मार्जिन रखी थी, मैंने 2 इंचेस की मार्जिन ली थी, तो उसी मार्जिन के हिसाब से हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से जो हमारा फ्रॉक है वो बन के तैयार है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉन्ट्रास्ट में हमने व्हाइट पट्टी लगाई है वो बहुत ही अच्छी तरह से निकल के आ रही है, और इस फ्रॉक पे हमने देखिए पीछे की तरफ में इस तरह से एक बो भी बना के लगाया है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।